सद्भावना कमेटी के तत्वाधान में आयोजित इस कवि सम्मेलन एवं मुशायरा की सदारत कर रहे मौलाना हाफिज यासीन उस्मानी साहब, इस कवि सम्मेलन और मुशायरा में पधारे सभी हमारे कविगण, शायरगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण और बधाई जिले के कोने कोने से पधारे सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों और माताओं बहनों, आज के इस मौके पर मैं आजाद प्रतापगढ़ी साहब को शुक्रिया अदा करूंगा अपने जनपद की ओर से, बधाई की ओर से, कि उन्होंने सद्भावना कमेटी की तरफ से इस कवि सम्मेलन और मुशायरे के आयोजन के लिए बधाई को भी चुना। और मैं उनके साथ पधारे सभी कवि साहिबानों का, शायर साहिबानों का हृदय से बधाई की इस गंगा जमुनी तहजीब की धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मद्दम करता हूं। और मैं समझता हूं हम बधाई वाले सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ये बधाई की सरजमी जहां हमारे सूफी संतों की सरजमी है, जहां ये हमारे गंगा का किनारा राम गंगा के इस दुआब में मोहब्बत बसती है, जहां ये इस इलाके में हमारे हिंदी साहित्य को, कवि सम्मेलन के मुशायरों को, उर्दू साहित्य को जो ऊंचाई देने का गौरव बधाई के लोगों को मिला है, शायद ऐसे नसीब वाले हमारे देश में कमी शहर होंगे जो हमारा बधाई है। चाहे फानी साहब हों, चाहे शकील साहब हों, रमलेश जी हों, अवस्थी जी हों, ऐसे एक से एक इस धरती पर लाल हुए हैं, इस धरती पर ऐसे ऐसे सपूत हुए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के तारीखी तौर पर कवि सम्मेलन मुशायरों का, शेरो शायरी का, कविताओं का जो गहराई उन्होंने देश को, दुनिया को दी है, जो दिशा दुनिया को दी है, ये मैं समझता हूँ बधाई जैसे लोग बहुत कम जगह होंगे जहाँ इतने शानदार लोग पैदा हुए होंगे। ऐसी सरजमी पर आप सबका स्वागत और खैर मद्दम करते हुए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और सौभाग्यशाली इसलिए समझता हूँ कि आप जैसे लोग जहाँ मंच पे खड़े होते हैं, बड़े से बड़े लेखक, चिंतक, पत्रकार, राजनीतिक, जो काम आम जनमानस के दिलों जहन में नहीं डाल पाते हैं, वो आपकी एक बाणी और एक शेर से निकल के वो असर डालने का काम करती है। ऐसी महान हस्तियों का स्वागत करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जहाँ मैं आज इस मौके पर अपने इस कर्म भूमि पर बधाई की जनता के बीच में स्वागत कर रहा हूँ, वहीं आज के इस मौके पर आप सबसे भी हम उम्मीद करते हैं और यकीन है और भरोसा है कि हमारे देश के सामने जो चुनौतियां हैं, हमारे देश के सामने जो संकट पैदा किए हुए हैं, और ये संकट पैदा हुए किए हुए किसी और ने नहीं, बल्कि हमारे देश और प्रदेश की हुकूमत ने जो संकट पैदा किए हैं, जो हुकूमत जिसकी जिम्मेदारी होती है कि लोगों के बीच प्यार और मोहब्बत, सद्भाव को फैलाने का काम करे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश और प्रदेश की हुकूमत हमारे देश के लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम करती है। ऐसी हुकूमत से निपटने के लिए भी हमें आप सबके मार्गदर्शन की जरूरत है, विशेषकर हम राजनीतिक बिरादरी के लोगों को इसलिए भी जरूरत है। आपने महसूस किया होगा 2014 से लेके आज तक हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो केंद्र के लिए चुनाव हुए हो, केंद्र सरकार के लिए या प्रांतीय सरकारों के लिए चुनाव हुए हो, जब जब चुनाव का मौसम आता है तब तक ये हुकूमत में बैठे हुए लोग या इनकी विचारधारा के लोग समाज के बीच नफरत फैलाने का हर संभव षड्यंत्र करते हैं। चाहे मुख्यमंत्री के बयान सुनिए उत्तर प्रदेश के, चाहे देश के प्रधानमंत्री के बयान सुनिए, इनके हर बयान में नफरत फैलाने की बू आती है। ऐसे संकट के समय में हमारा देश खड़ा है, जहां चिंता होनी चाहिए हमें देश के नौजवानों को कैसे रोजगार मिले,
देश के हमारे किसानों को कैसे बाजे मूल मिले, उनकी आर्थिक स्थिति सही हो, देश के अंदर जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले मेहनतकश मजदूर हैं, उन मजदूरों के परिवार को कैसे बेहतर जीवन मिले, जहां हुकूमत की चिंता इन बातों को लेके होनी चाहिए, वही हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश और प्रदेश की हुकूमत इस बात की चिंता करते हैं कि चुनाव आए तो कैसे हम लोगों के बीच नफरत फैलाएं और उसका राजनीतिक लाभ उठाने का काम करें। आज जब उत्तर प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है, ऐसे समय में भाई आजाद प्रतापगढ़ी जी ने ये जो आयोजन किया है, इस आयोजन का कम से कम हम बदायूंवासी इस बात के लिए लाभ लेंगे कि देश और प्रदेश के बड़े बड़े शायर लोग, बड़े बड़े चिंतक, बड़े बड़े विद्वान आज आके हम बदायूंवासियों के बीच इस देश की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से निपटने का कोई ना कोई बेहतरीन रास्ता जरूर बताएंगे। इस यकीन के साथ हम आप सबका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अपनी भी ओर से और अपने बदायूं के आवाम की भी ओर से आपका बारंबार स्वागत और अभिनंदन करते हुए भाई आजाद प्रतापगढ़ी जी को और इस आयोजन में जितने भी साथी लगे हैं, चाहे हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी हों और उनके साथी पदाधिकारी हों, उन सभी साथियों का मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद देते हुए आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।